हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। सालार आपका 22 दिसंबर को रिलीज हो रहा है और इसका ऑलरेडी टीजर आ चुका है, लेकिन ट्रेलर अभी तक नहीं आया। तो ये जो टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ, इवन आपका प्रभास का फेस भी ठीक तरह से नहीं दिखाया गया, तो फैन काफी डिसअपॉइंटेड हुए। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में सालार के स्टोरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सालार की जो स्टोरी, जितना पता चल रहा है कि ये स्टोरी शायद फ्रेंडशिप पे है। एक्चुअली ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि ये जो दोनों है, आपका प्रभास और आपका पृथ्वीराज सुकुमार, ये दोनों फ्रेंड रहेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे का राइवलरी बन जाएगा, मतलब एक दूसरे का जाने दुश्मन बन जाएगा, और यही फिल्म का मेन प्लॉट है। और ये फिल्म आपका प्रशांत नील ने शायद KGF के पहले ही ये इस फिल्म को राइटिंग किया था। टोटल सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म टोटल एक्चुअल पूरा जो फिल्म है ये 5 घंटे का है, और इसे 2 पार्ट में बनाएंगे प्रशांत नील। फर्स्ट पार्ट तो आपका देखे पता ही होगा आपको, आप लोगों को, कि सालार सिस्फर पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में और नेक्स्ट पार्ट आएगा, और दोनों मिलाकर टोटल 5 आवर्स के, तो 2.5 घंटा, शायद 2.5 घंटा इस प्रकार का होगा। तो इतने में पता चल रहा है कि शायद फर्स्ट जो सालार का जो पार्ट 1 है, इसमें आपका दिखाया जाएगा राइवलरी, और पार्ट 2 में दिखाया जाएगा वो किस तरह से दोस्त से दुश्मन बने, मतलब बैक स्टोरी दिखाया जाएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। मुझे अभी तक श्योर नहीं हूं, लेकिन स्टोरी कुछ इस प्रकार का ये दोनों आपका फ्रेंड रहेगा, उसके बाद एक दूसरे का फेस ऑफ होगा, मतलब राइवलरी बन जाएगा और जाने दुश्मन बन जाएगा, उसके बाद दोनों में फेस ऑफ होगा, ये पता चल रहा है। और एक बात कि ये सालार मूवी की जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी है ना, ये कुछ मतलब फैन को कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। देखिए, आपका सिर्फ कुछ दिन बाकी रहेगा, ऑलरेडी डांकी भी उसके साथ ही रिलीज हो रहा है 21 दिसंबर को, लेकिन डांकी का आपका टीजर आ गया, गाना आ गया, लेकिन इसकी तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सालार की जो मेकर्स, ये लोग ये शायद सोच रहा है कि प्रभास के जो पिछले 3 फिल्म है, आपका पहले जो फिल्म है आपका शाहो, उसके बाद राधे श्याम, उसके बाद आपका आदि पुरुष, तीनों फिल्म में कई सारे काफी आप कह सकते प्रमोशन किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल डूब गया। तो इसलिए शायद सालार का मेकर इतने ज्यादा प्रमोशन करना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि पहले भी हाइप इसका ज्यादा है, ऊपर से और भी ज्यादा हाइप चढ़ाएंगे तो हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन सही तरीके से पूरा ना हो तो ये फिल्म डूब सकता है। इसलिए वो लोग आप कह सकते थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो ट्रेलर आने वाला है आपका 5 दिसंबर यानी शुक्रवार को सुबह 7:19 में, तो वही टेलर से आपका प्रमोशन स्टार्ट होगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रभास इसकी प्रमोशन शायद नहीं करेगा, उतना ज्यादा उस लेवल का प्रमोशन नहीं होगा, सिर्फ सॉन्ग डाला जाएगा सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, ऐसा कुछ सॉन्ग फोटो ऐसा कुछ डाला जाएगा, पोस्टर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ गया ज्यादा हाइप उठाने से हो सकता है कि ये मूवी भी पिछली मूवी की तरह प्रभास के मतलब बॉक्स ऑफिस में डूब जाए, तो इसलिए इसके प्रमोशन ज्यादा नहीं कर रहा है। तो सालार का जो स्टोरी है ये काफी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, लेकिन प्लॉट पुराना है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और ये आप लोगों को तो पता ही होगा, ये कोल माइन पे ये पूरा फिल्म है, तो देखते हैं आखिर ये मूवी कैसा बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।